हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉपिक विशेषण। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज आप विशेषण बारे गल करांगे। जिवें तुसीं जानदे हो कि आप जदों आम गलबात करते हैं, ठीक है, किसी भी जीव की वस्तु की या व्यक्ति की या स्थान की, तो उहदे विच आप उहनां दी प्रशंसा भी करते हैं और निंदा भी करते हैं, ठीक है बेटे। इस तरह आप उहनां दे गुण भी देखते हैं और औगुण भी देखते हैं, ठीक है। यही उहनां दी विशेषता होंदी है, ठीक है बेटे। अगे आप गल करांगे विशेषण की परिभाषा। विशेषण भी बेटे यही हुंदा जिवें मैं तुहानूं इहदी परिभाषा च दसदी हां कि जे ओह शब्द जो मतलब जिहड़े शब्द किसी व्यक्ति जीव वस्तु की विशेषता जो उन्होंने गुण औगुण दस के उन्होंने आम तो खास बनाते हैं उन्होंने विशेषण किया जाता है, ठीक है बेटे। जिहड़े शब्द किसी नाम ज पड़नाम की विशेषता ज गुण औगुण दस के उन्होंने आम तो खास बनाते हैं, ठीक है, उन्होंने विशेषण किया जाता है। जिवें हरा या काला या मिठा या कौड़ा, ठीक है, गर्म या ठंडा, इदा ही बेटे, ठीक है। जो आप किसी भी चीज़ की वस्तु की आप विशेषता दसते हैं, चाहे उन्होंने गुण हो चाहे औगुण हो, उन्होंने विशेषण किया जाता है। अगे बेटे विशेषण दी किस्म, विशेषण दी बेटे पांच किस्म होंदिया ने। फर्स्ट इज गुणवाचक विशेषण, सैकेंड इज संख्यावाचक विशेषण, थर्ड इज परिमाणवाचक विशेषण, फोर्थ इज निश्चयवाचक विशेषण, फिफ्थ इज परिणामी विशेषण। हाँ जी बेटे, हुण आपां गल करांगे गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण किहड़े हुंदे आ? जिहड़े विशेषण नाम जां पड़नाम का गुण औगुण दस के उन्होंने आम तो खास बनाउंदे आ, ठीक है बेटे, उन्होंने गुणवाचक विशेषण किया जाता है, जिहदे विच किसी भी व्यक्ति के गुण और औगुण देखे जाते हैं, ठीक है। जिवें आपां कह दईए उहदा रंग बहुत गोरा है, इहदे विच गोरा हो गया विशेषण, ठीक है, वह बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है, इहदे विच हो गया सुंदर, ठीक है। जां मैं नवी कार लैंदी, इहदे विच हो गया नवी, ठीक है। जिहड़ी चीज़ की आपां विशेषता दसी है उह हुंदी आ गुणवाचक विशेषण। अगे बेटे आपां गल करांगे संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण की हुंदे आ? जिहड़े विशेषण किसी नाम जां पड़नाम की गिनती दसन उन्होंने संख्यावाचक विशेषण किया जाता है। जिवें आप कहने भी उस जमात के भी बच्चे है या पच्ची बच्चे है, ये आप गिनती दसी गई है भी पच्ची बच्चे है या भी बच्चे है, ठीक है। जां उन्हां कोल मतलब चार कारा ने या तीन कारा ने, ठीक है, ये तीन या जो चार है उन्हां दी विशेषता दसी गई है, ठीक है, और नाल ही संख्या भी दसी गई है, ठीक है। ये हुंदा बेटे संख्यावाचक विशेषण। नैक्सट है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण बेटे वह होंगे जिहड़े विशेषण नाम जां पड़नाम की गिनती या मिनती दस के उन्होंने परिमाणवाचक विशेषण किया जाता है। जिहड़े विशेषण नाम जां पड़नाम की गिनती या मिनती दसन उन्होंने परिमाणवाचक विशेषण किया जाता है। जिवें बेटे आप कह दईए वी इस डब्बे विच दो किलो खंड है या तीन किलो खंड है, आपां नूं इहदे चीज़ की मिनती दसी गई है, ठीक है, वी इह दो किलो चीज़ है या तीन किलो चीज़ है, इह च आपां नूं गिनती का भी पता लग रहा है, ठीक है। या आपां कह दईए कपड़ा है दो मीटर है या तीन मीटर है, इहदे विच दो मीटर या तीन मीटर, ठीक है, ये उन्हां दी गिनती और मिनती दसी गई है। और नैक्सट है बेटे निश्चयवाचक विशेषण। निश्चयवाचक विशेषण की हुंदा है? जिहड़े विशेषण नाम जां पड़नाम दे वल इशारा करके उसनूं आम तो खास बनाउंदे आ उन्हां नूं निश्चयवाचक विशेषण आख्या जांदा है। जिवें इह लड़का, उह कुड़ी, ठीक है, या आह मुंडा। जिवें आपां कह दईए वी इह साडा स्कूल है या इह साडा घर है, ठीक है, इहदे विच इह उह जिहड़ा किसी चीज़ दा वल इशारा करके उहदा निश्चा करवाउंदे आ उह निश्चयवाचक विशेषण हुंदे आ। और नैक्सट है बेटे परिणामी विशेषण। परिणामी विशेषण बेटे वह होंगे जिहड़े विशेषण नाम जां पड़नाम दे नाल आके उन्हां दी विशेषता भी दसन उन्हां नूं परिणामी विशेषण किया जाता है। जिवें कहीए तुहाडे पिता जी जां तुहाडा घर, ठीक है, या मेरी कार,
या मेरा पेन, ये मेरा हो गया या तुहाडा हो गया, ये प्रणामी विशेषण होंगे। थैंक यू।